हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस स्ट्रीम क्लास चैनल। ये स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अनदर न्यू चैप्टर इन दिस बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट सेवेंथ का ही आपका सिक्स चैप्टर है। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर, उसमें हमें इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यों कुछ पीपल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं जिनमें जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं, और क्यों वो बहुत ज्यादा मैच भी करते हैं, सिमिलर भी होते हैं, वो किस वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो वही आपको पता है, क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स का ट्रांसफर होने को भी क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब क्या बेस है जो इनहेरिटेंस कराता है, क्या चीज है जो पेरेंट्स से आगे प्रोजेनी में जा रही है, पेरेंट्स से आगे प्रोजेनी, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफर हो रही है, व्हाट इज दैट थिंग, क्या है वो बेस, क्या मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डीएनए। क्या होता है डीएनए, दैट इज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डीएनए को डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो ट्रांसफर करता है, पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। क्लियर, आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होगा, पेरेंट्स का डीएनए है, इसको बोल देते हैं पेरेंटल डीएनए। ये दो अलग अलग चेन है, एक चेन ये होगी, एक चेन ये होगी, ये इस तरीके से दोनों हेलिक्स बने हुए, कॉइलिंग हुई है दोनों की, जिसने बोल के इसको दो चेन जब एक दूसरे से हेलिक्स फॉर्म में ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्लियर, दैट इज कॉल्ड डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये पेरेंटल डीएनए जब इससे ये नई सेल्स में जाता है, गैमेट्स से जब आगे बेबी में ये ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, एक तो कॉपी आती है मदर से और एक आ जाती है फादर से। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, इससे जो नया डीएनए बनता है वो क्या होता है, डॉटर डीएनए। क्या बनेगा, डॉटर डीएनए। मींस अब क्या चीज थी जो, अब डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जीन्स, और हर जीन करेक्टर्स को शो करता है, वो हमारा आई कलर आ गया, हेयर कलर आ गया, स्किन कलर आ गया, हैबिट होगी हमारी, ठीक है। तो हर करेक्टर जो है हमारे, हर जीन्स एक करेक्टर को शो करता है। कई बार हम बोलते हैं कि ये जो है, ये कोई भी हम किसी का भी एग्जाम्पल ले कि किसी की आईज है वो बिल्कुल अपनी मदर से है उसकी आईज, उसका जो हेयर कलर है बिल्कुल फादर से है, या वो दिखने में बिल्कुल मदर जैसा लगता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली है वो अपनी मदर जैसा दिख रहा है। तो वो किस वजह से, क्योंकि क्या ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए, क्या ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए, और इसमें पेरेंटल डीएनए मतलब दोनों पेरेंट्स का, मदर की भी कॉपी जाती है, किसकी भी जाती है, फादर की भी, और जिससे क्या होता है, एक नया डीएनए बनता है जिसको बोलते हैं डॉटर डीएनए। क्या बोलते हैं, डॉटर। डॉटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डॉटर ही एबल होती है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, इसी डीएनए में आगे डिवीजन होगी, नया डीएनए बनेगा। क्लियर, तो फिर और ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, एक कॉपी, एक नई कॉपी बना डीएनए की, पेरेंट्स से एक नई डीएनए की कॉपी बनना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप ओवरव्यू एक बार देख लो कि इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, कि क्या चीज है जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से प्रोजेनी में, क्या चीज जा रही है, तो क्या चीज ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स, डीएनए। और जो भी मटेरियल ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो मटेरियल जा रहा है ना स्टूडेंट्स, जो उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से वो करेक्टर ट्रांसफर हुए हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत रिसर्च हुई इसमें,
जेनेटिक्स में फिर पता लगाया गया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो आगे कंटिन्यू पास होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या मतलब वो उसकी बेबी की भी आईज सिमिलर है, फिर आगे उसकी बेबी की आईज भी सिमिलर है, ये नोज का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो क्या चीज है जो आगे ट्रांसफर होती जा रही है फर्दर, तो वो क्या ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, डीएनए। तो जो चीज ट्रांसफर होती है, जो करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, डीएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए डीएनए को क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर जो हम ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में बात करें, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मोस्टली 90% जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरस में क्या भी होता है, आरएनए, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस में। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर, दैट कॉज एड्स, जो क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है पर्सन की। तो ये को एड्स कौन कॉज करता है, एचआईवी वायरस। और इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट में, वो होता है आरएनए। क्या होता है स्टूडेंट्स, आरएनए। क्लियर, जब तक ये नहीं पता था कि डीएनए ट्रांसफर होता है, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड, यही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स के लिए आगे फर्दर पास होने में। क्लियर, तो जब तक ये नहीं पता था, डीएनए का फाइनल नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल है, तब तक ज्यादातर लोग क्या सोचते थे, उनकी थिंकिंग थी कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन फाइनल नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ज्यादातर सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो हम स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हाउ प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन आरएनए से कैसे बनता है। ये स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर बेसिस, इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है, करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए बेसिस क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, आरएनए के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, वो वायरस में है एज वेल एज, ठीक है। लेकिन हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस में वो डीएनए है, आरएनए है। क्लियर, फिर आरएनए का फर्दर क्या रोल होता है। अब डीएनए तो आपको पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल ही होता है, कि डीएनए जो होता है वो तो एक जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ही होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लेकिन आरएनए स्टूडेंट्स क्या होता है, आरएनए के और भी बहुत रोल होते हैं। आरएनए वर्क एज ए मैसेंजर, जो एक मैसेज को ट्रांसफर करता है, और जो आरएनए मैसेज को ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एक होता है स्टूडेंट्स, ये तो हमने आरएनए की बात की, एक ही अडेप्टर की तरह भी वर्क करता है। क्लियर, अडेप्टर की तरह भी वर्क करता है। सेकेंड हो गए, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, आरएनए इसकी तरह भी काम करता है, कैटलिस्ट की तरह, बट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज द एंजाइम भी हो सकता है, जो कोई भी रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करता है। क्लियर, कैटलिस्ट क्या करता है, इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन,
कैटलिस्ट वर्क एज इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ आपको पता चल गया कि आरएनए के फंक्शन, डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल ही है, सिर्फ जो करेक्टर्स है वो ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, लेकिन आरएनए के और भी रोल होते हैं। कौन कौन से? आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह भी एक्ट करता है, अडेप्टर की तरह भी होता है, और एज अ वर्क एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस को भी इंक्रीज करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर जो हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि डीएनए और आरएनए को, इसके बनने से पहले हम थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के लिंक को बता देते हैं कि डीएनए आरएनए से कैसे लिंक होता है और आरएनए प्रोटीन से। डीएनए स्टूडेंट्स ही पता आपको, हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, समझ आ जाएगा ना आपको। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बनता है प्रोटीन। बने किसके होते हैं? अमीनो एसिड्स के। किसके बने होते हैं प्रोटीन? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। आपको पता है असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं 20 जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने को ही क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। क्लियर? डीएनए से आरएनए के बनने को तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? कुछ कंडीशंस में स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस में, जैसे जहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने बात की अभी एचआईवी वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, तो इसमें क्या होता है, ये आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीएनए में। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स क्योंकि डीएनए से आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स होगी ना, आरएनए से वापस डीएनए बन गया। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जब डीएनए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब जा रहा है, तो क्या होता है, डीएनए से वापस क्या बनता है? डीएनए तो बनता है, तो एक डीएनए की कॉपी से ही दूसरे डीएनए की कॉपी बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपी से, एक डीएनए की कॉपी से दूसरे डीएनए की कॉपी बनने को ही क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन। और ये जो स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, जिसमें आपको पता चला कि डीएनए से आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और आरएनए से वापस डीएनए को बनना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए का ही बनना बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ये सब स्टूडेंट्स किसमें आता है? सेंट्रल डोगमा। इसमें आता है स्टूडेंट्स सेंट्रल डोगमा। तो ये बोला जाता है कई बार व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। तो ये सब कंप्लीट प्रोसेस, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से वापस डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीएनए से डीएनए का बनने में पॉलीमरेज होता है, क्लियर, जो नया डीएनए बनाने में हेल्प करता है। आरएनए से डीएनए के बनने में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसके पीछे एज आ जाए ना, हेलिकेज, प्रोटीज जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, हेलिकेज जो डीएनए को ब्रेक करता है,
प्रोटीज, तो ये स्टूडेंट आरएनएज, आरएनएज, तो जिसके पीछे एज आ जाए वो क्या होता है एंजाइम, क्या होगा वो एंजाइम, और इसका फंक्शन क्या होगा ब्रेक करना, जैसे हेलिकेज है डीएनए को ब्रेक करता है, आरएनएज आरएनए को ब्रेक करता है, प्रोटीज है प्रोटीन को ब्रेक करता है, सिमिलरली पॉलीमरेज है वो क्या करता है पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए की नई कॉपी बनाता है, क्लियर। तो सारे ब्रेकेज में नहीं है, एज एज है, एज का मतलब क्या है एंजाइम है, क्या है एज, तो ये आपको ऐसे पता चल जाएगा एंजाइम की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, अगर जो है डीएनए, यस अगर जो है विजिबल है ना, अगर जो है डीएनए और एक है, एक तो है डीएनए और एक है डीएनए, ये है एक डीएनए एक है डीएनए, तो स्टूडेंट्स ये तो क्या है डीएनए की प्लूरल फॉर्म, ये तो क्या है डीएनए की प्लूरल फॉर्म। जब एक से ज्यादा डीएनए की बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं डीएनए, और जब डीएनए आ जाए एज तो ये क्या है एंजाइम, ये क्या है एंजाइम, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये डीएनए आ जाए तो एंजाइम, सिर्फ एस लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म है डीएनए की, एक से ज्यादा डीएनए के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा है कि क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो करेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, क्लियर। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए बनता किसका है और कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, क्लियर। कंप्लीट स्टेप टू स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, देन वी विल गो इन डीपली, क्लियर स्टूडेंट, ओके थैंक यू, टिल देन कीप रिवाइजिंग।